पाल लीकेज की वजह से 4 महीने में खाली हो गया तालाब। केंद्र और राज्य सरकार देश में जल संकट से आमजन को राहत देने के लिए कई योजनाएं चलाकर बूंद बूंद पानी को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पानी का महत्व आमजन को बताने के लिए कई जन जागरूकता कार्यक्रम भी करवा रही हैं। सरकार की इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी एक ऐसा तालाब है जो मौसम के दौरान तालाब लबालब हुआ था, लेकिन मात्र 4 महीने में ही तालाब सूख चुका है। इसका मुख्य कारण है कि तालाब की पाल से पानी का रिसाव हो रहा में तालाब है वो 15 होड़ा फीट की भराई है। वो तालाब भराड़ा 3-4 महीनों में पानी पाल के नीचे सब निकल गया और 2-4 दौर एरिक्सन वाला ने किया बोलिया और 2-4 दौर पंचायत वाला ने क्यों और तालाब ने मारे या मॉडल तालाब में जो या बने नीसी हरी पक्की करे ने बने तालाब ने मजबूत करा वो मारा कूड़ा मारा कूड़ा और जलस्तर भी हूँ कि जो हमारे पीवारा पानी रही तकलीफ पड़े रही है। इसलिए सरकार प्रशासन सब मारी सुनवाई करो और तालाब री पाल मजबूत करावो। राजसमंद पंचायत समिति के ग्राम पंचायत पुठोल के चौहानों की बागल में जो तालाब है वो काफ़ी पुराना है। यहाँ पर प्रतिवर्ष इस तालाब में पानी आता है और भरता भी है, मगर तालाब की पाल लीकेज होने की वजह से सारा पानी बहकर चला जाता है। पूर्व में यह गांव सांगट ग्राम पंचायत में आती थी, तब भी ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की मगर इस तालाब की मरम्मत नहीं हुई। इसके बाद पंचायत बदलकर पुठोल हो गई, यहाँ पर भी ग्रामवासियों ने लिखित और मौखिक तौर पर कई बार शिकायत की मगर इस तालाब की मरम्मत नहीं हो पाई। इसी कारण आज नतीजा यह निकला कि मानसून में यह तालाब लबालब हो गया था, मगर मात्र 4-5 महीने में ही यह पानी पाल से रिसाव होकर खाली हो चुका है और वर्तमान में तालाब पूरी तरह से सूख चुका है। और इसमें हमारा तालाब है गांव के कई साल पुराना, वर्षों पुराना है, वो पूरा भराता है, पानी निकल जाता है, 4-6 महीने में खाली हो जाता है। और अगर मरम्मत हो जावे, पक्की पाल हो जावे, तो ये 2-5 साल का पानी रह जावे। इसके लिए सरकार से निवेदन है कि ये तालाब का मॉडल में दिया जाए और तात्कालिक किया जाए, इसमें कि लोगों गांव को सबको फायदा मिल जावे। इस बार बारिश में पानी 15-16 फीट की 17 फीट की पाल है, उस पानी पूरा भराया मगर 4-5 महीने में निकल गया, खाली हो गया, अभी सूखा पड़ा है। पानी रुक जाए तो गांव वालों को और आजू बाजू को सबको फायदा हो जाए। शिकायत हमने कितनी बार लिखित में दिया, सांगड़ में भी दिया, पुटोल में भी दिया, और सरकार को से प्रशासन से निवेदन है कि ये तात्कालिक किया जाए। ने इस वर्ष 10वीं या 12वीं बोर्ड का एग्जाम दिया है तो आपके पास है सुनहरा अवसर RSCIT कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने का। सनशाइन इंस्टीट्यूट ऑफ इट ICICI बैंक के पास किलवा। इस वर्ष मानसून में अच्छी बारिश हुई थी, इस कारण पानी भी अच्छा आया था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तालाब लबालब भरा हुआ है और इस मानसून में अच्छी बारिश होने के कारण ही तालाब में पानी आया था, मगर यह पानी मात्र 4-5 महीने में ही रिसाव होकर बह गया और तालाब सूख गया, क्योंकि लगातार पिछले 4-5 सालों से इसी तरह तालाब में पानी आता है और रिसाव होकर बह कर चला जाता है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। हमारे ग्राम पंचायत पुटोल चौहानों की बगल में तालाब है, जिसके कारण कई वर्षों से पेटे में नीचे से पानी लीकेज हो रहा है और इसमें प्रशासन ध्यान भी नहीं दे रहा है और पानी वर्षों से पानी भरता है और पानी नीचे रिसाव हो जाता है और प्रशासन को कहते हैं तो उस समय ध्यान भी नहीं देता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इनको जल्दी से जल्दी मॉडल तालाब में ले और इसको सही करवाए ताकि इस पानी का रख रखाव हो सके और लोगों को भी इसमें फ़ायदा मिल सके और जो जीव जंतु हैं और पशु पक्षी हैं वो भी इनका फ़ायदा उठा सके। धन इस बारिश में भी फूल भरा था, लेकिन वो नीचे से पेटे से वो तालाब में फूटा हुआ है, इसके कारण से पानी रिसाव हो जाता है। भरा क्षमता कितनी है? भरा क्षमता कम से कम 16 फीट।
ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस तालाब की मरम्मत हो जाए और पाल की मरम्मत की जाए तो इस तालाब में पानी की रुकावट रहेगी, जिससे स्थानीय लोगों को पानी का फायदा होगा, साथ ही आसपास के कुओं का जल स्तर भी ऊपर रहेगा।